हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग। एंड टुडे आवर टॉपिक इज सप्लाई चेन एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। आज हम देखेंगे कि सप्लाई चेन क्या होता है एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है। हम जस्ट इनकी डेफिनेशन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन उर्दू में कहते हैं फराहमी का सिलसिला। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक का जो अमल होता है उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। अब ये मार्केटिंग में किस तरह से काम करता है हम उसके बारे में देखते हैं। अ सप्लाई चेन इज़ नेटवर्क बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स सप्लायर टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द फाइनल बायर। सप्लाई चेन इज़ अ नेटवर्क। सप्लाई चेन बेसिकली एक जाल है, एक नेटवर्क है बिटवीन कंपनी एंड इट्स सप्लायर। किसी भी कंपनी के दरमियान और उसके सप्लायर मींस के उसको सामान मुहैया करने वाले के दरमियान या उस सामान को आगे पहुंचाने वालों के दरमियान। टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू द फाइनल बायर, कि वो प्रोड्यूस करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, बनाएं और तकसीम करें कोई ख़ास प्रोडक्ट आखिरी बायर तक, मीन के कस्टमर तक, ख़रीदने वाले तक। मीन्स के सप्लाई चेन एक नेटवर्क होता है जो कि रॉ मटेरियल को कंपनी तक लेके आता है और फिर जब कंपनी उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं वो कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट को लेके जाता है। ये सप्लाई चेन का काम होता है। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मेक दम अवेलेबल टू बायर एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप नॉट ओनली विद कस्टमर बट आल्सो विद सप्लायर एंड सेलर इन द कंपनी सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन बेसिकली क्या है? प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना एंड मेक दम अवेलेबल टू द बायर और फिर इनको मुहैया करना बायर तक। एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप नॉट ओनली विद कस्टमर, सिर्फ कस्टमर के साथ ही हमें रिश्तेदारी या रिलेशनशिप नहीं बनाना बट आल्सो विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ भी रिलेशन बनाना है जो हमें रॉ मटेरियल मुहैया करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक लेके जाते हैं। एंड रीसेलर, और वो दुकानदार जो प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक बेचते हैं इन द कंपनी सप्लाई चेन, कंपनी की सप्लाई चेन के अंदर। ये पूरा प्रोसेस जो है वो सप्लाई चेन कहलाता है। सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पार्टनर। सप्लाई चेन में दो पार्टनर्स होते हैं, एक अपस्ट्रीम होता है, एक डाउनस्ट्रीम होता है। अब देखते हैं ये पार्टनर्स कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं। पहले हम देखते हैं अपस्ट्रीम। सेट ऑफ फर्म्स डेट सप्लाई रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस नीडेड टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पार्टनर्स वो होते हैं जो कंपनी को रॉ मटेरियल, खाम माल, कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, फंड, जो भी चीज़ें चाहिए हों प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए वो फराहम करती हैं। मीन्स के प्रोडक्ट बनाने से पहले जो भी चीज़ कंपनी को चाहिए होती है वो अपस्ट्रीम पार्ट होता है सप्लाई चेन का, वो कंपनी को मुहैया कर रही होती हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो कंपोनेंट्स हो, चाहे वो किसी मशीनरी के पार्ट्स हो, चाहे पैसा हो, फाइनेंस या फंड चाहिए हो, ठीक है, कोई भी चीज़ चाहिए प्रोडक्ट सर्विस के लिए कंपनी तक पहुंचाने के लिए वो अपस्ट्रीम पार्टनर होते हैं सप्लाई चेन के। नेक्स्ट हमारे पास है डाउनस्ट्रीम। मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन डेट लुक टूवर्ड कस्टमर सच एज होलसेलर, रिटेलर, दे फॉर्म अ वाइटल कनेक्शन बिटवीन फर्म्स एंड इट कस्टमर। अब ये होते हैं मार्केटिंग चैनल, इनको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। कंपनी में प्रोडक्ट और सर्विसेज बनने के बाद कस्टमर तक जो पहुंचाते हैं ये डाउनस्ट्रीम पार्टनर होते हैं सच एज होलसेलर एंड रिटेलर, दुकानदार जो कि बंडल में बेचते हैं या टुकड़ों में बेचते हैं। ये वाइटल कनेक्शन बनवाते हैं बिटवीन द फर्म यानी कि कंपनी और कस्टमर के बीच, क्योंकि कस्टमर इनसे ख़रीद रहा होता है और वो इनको बताता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और वो फिर कंपनी तक बता रहे होते हैं। तो ये होलसेलर जो हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये पूरा मेन किरदार अदा करते हैं। तो सप्लाई चेन बेसिकली क्या है? सप्लाई चेन बेसिकली वो एक सिस्टम है जो रॉ मटेरियल या पार्ट जो हैं कंपनी तक पहुंचाते हैं, कंपनी से प्रोडक्ट और सर्विस फिर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क किसको कहा जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है सप्लाई चेन और वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, लेकिन हम इसको क्लियर करते हैं ये बेसिकली है क्या। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, अ नेटवर्क मेड अप ऑफ कंपनी, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अल्टीमेटली कस्टमर हु पार्टनर विद ईच अदर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर सिस्टम सो ईच ऑफ द पार्टनर कैन अचीव इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली एक नेटवर्क, एक जाल है जो कि बना हुआ है कंपनी, जो कि कंपनी है जो प्रोडक्ट और सर्विस बनाती है, सप्लायर जो रॉ मटेरियल इनको पहुँचाती है, डिस्ट्रीब्यूटर जो फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर तक पहुँचाता है, एंड अल्टीमेटली खुद कस्टमर, जो आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनर बनते हैं, मीन्स के एक दूसरे के साथ तामन करते हैं ताकि एक दूसरे की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और पूरे सिस्टम को बेहतर बना सकें।
ठीक है, ये एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं ताकि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं एक दूसरे के वो पूरे हो सके। किस तरह से? अब कंपनी जब सप्लायर के साथ अच्छा रवैया रखेगी, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगी, तो सप्लायर उसको अच्छा रॉ मटेरियल, इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस देगा। जब डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर ताल्लुकात बनाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर टाइम पे प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाएगा, और जब कस्टमर से फीडबैक लेगी तो कस्टमर बताएगा कि हमें आपके प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये बेहतरी चाहिए, तो जो कंपनी है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस में बेहतरी लेके आ सकती है। इससे इंटायर सिस्टम बेहतर होगा और जिसके जो नीड्स एंड गोल्स हैं वो पूरे हो सकेंगे। आगे हम देखते हैं, द टर्म वैल्यू चेन रेफर टू द प्रोसेस इन विच बिजनेस रिसीव रॉ मटीरियल एडिड वैल्यू टू दैम थ्रू प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर प्रोसेस टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट एंड देन सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। अब ये जो टर्म है सप्लाई वैल्यू चेन रेफर करती है बेसिकली एक अमल से जिसमें जो बिजनेसेस हैं ये रॉ मटेरियल हासिल करते हैं सप्लायर से, मीन के अपस्ट्रीम से सप्लाई चेन की, फिर इनमें वैल्यू ऐड करते हैं कि रॉ मटेरियल आता है, फिर इनको प्रोसेस करते हैं, इन पे ऑपरेशन करते हैं। सपोज कर लें कि लकड़ी आ रही है और ग्लू आ रहा है, ठीक है, ये अब लकड़ी ग्लू कील वगैरह को इकट्ठा सबको लेते हैं और फिर इन पे ऑपरेशंस करते हैं, इनको फिनिश गुड यानी कि एक फर्नीचर बनाते हैं, चेयर बनाया, बेड बनाया, कुछ भी बनाया तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं कस्टमर को थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। अ सप्लाई चेन रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। सप्लाई चेन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेप्स होते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने कस्टमर तक पहुंचाने हैं। बेसिकली सप्लाई चेन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कि हमने किस तरह से वैल्यू कस्टमर तक पहुंचानी है। तो ये बेसिकली सप्लाई चेन और वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का टॉपिक था। फर्दर हम मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे दी एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इसकी स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मार्केटिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज मार्केटिंग चैनल। हम स्टडी करेंगे कि मार्केटिंग चैनल होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग चैनल। अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट टू और मोर पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर हेल्प मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और द बिजनेस यूजर। अब मार्केटिंग चैनल है क्या? अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीमें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे पे इन्हसार करती हैं, हेल्प मेक अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो मदद करती है एक दूसरे की कि प्रोडक्ट और सर्विस को अवेलेबल बनाए कंजप्शन के लिए बाय द कंज्यूमर और बिजनेस यूज़र। कंज्यूमर के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं या बिजनेस यूज़र के लिए जो किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स मार्केटिंग चैनल, लेट डिस्कस ईच वन बाय वन। मुख्तलिफ इकसाम हैं मार्केटिंग चैनल्स की जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अ मार्केटिंग चैनल विच हैज़ नो इंटरमीडिएरी मीन्स देयर इज़ नो मिडलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कस्टमर्स। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल मोस्टली यूज इन सर्विस मार्केटिंग सच एज बैंकिंग एट्सेट्रा। एक ऐसा मार्केटिंग चैनल है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई मिडलमैन नहीं है। मीन्स के कंपनी जब प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है वो डायरेक्ट कस्टमर तक खुद ही पहुंचा देती है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई होलसेलर या रिटेलर दुकानदार की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी जो चीज़ बनाती है खुद ही कस्टमर तक पहुँचा देती है। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल मोस्टली यूज इन सर्विस मार्केटिंग। ज़्यादातर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो है वो सर्विस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए भी किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली सर्विस मार्केटिंग के लिए किया जाता है, सच एज बैंकिंग एक्सेट्रा। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, तमाम बैंक्स जो हैं, चाहे वो HBL हो, चाहे वो UBL हो, चाहे वो BOP हो, वो अपने कस्टमर से खुद डील करते हैं, बीच में कोई ब्रोकर, कोई दुकानदार, कोई होलसेलर नहीं आता, ठीक है, वो खुद ही कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। तो जब कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है उनके बीच में कोई मिडलमैन ना हो, इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल।
channel containing one or more intermediaries between the producer of product and services and the customer. एक ऐसा चैनल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा या एक इंटरमीडियरी मिडलमैन होता है जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में होता है, जो कस्टमर और सर्विसेज को सॉरी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचा रहा होता है. इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स चैनल लाइक सेलिंग यूअर प्रोडक्ट थ्रू अ होलसेलर और रिटेलर. अब इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, इसमें आपके प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए कस्टमर तक होलसेलर और रिटेलर होते हैं. Such as company like Pepsi or Coca-Cola use number of intermediaries to sell their product to customer. जैसे कि companies हैं Pepsi और Coca-Cola, ये intermediaries middlemen का इस्तेमाल करते हैं अपने product को customer तक पहुँचाने के लिए. कि ये company जब अपनी drinks बनाती हैं, soft drinks बनाती हैं, ये customer तक खुद नहीं जाती, बीच में wholesaler आते हैं, retailers आते हैं, मीस के बंडल में बेचने वाले और रिटेल प्राइस में बेचने वाले दुकानदार आते हैं जो कंपनी से ख़रीदते हैं और आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं. जब कंपनी और कस्टमर के बीच में मिडल मैन हो जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. और डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल वो होता है जिसमें कंपनी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाती हो. तो यहाँ हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पता चल गया और हमने एक एक एग्जांपल भी देख ली. डायग्रामेटिकल हम देखते हैं इसके बारे में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है. अगर हम इस डायग्राम को नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हम नंबर 3 को देखते हैं. प्रोड्यूसर डायरेक्ट जा रहा है कस्टमर के पास, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो जाता है कि प्रोड्यूसर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर के पास जा रही है, बीच में कोई और मिडल मैन हमें नज़र नहीं आ रहा. अगर आप नंबर 2 को देखें, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट जा रहा है रिटेलर के पास, रिटेलर से जा रहा है कंज्यूमर के पास. रिटेलर कहते हैं टुकड़ों में बेचने वाले को. जैसे कि रिटेल शॉप होती है हमारे यहाँ, जनरल स्टोर्स वगैरह होते हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, रिटेलर्स के पास आता है और हम उनसे जाके ख़रीद लेते हैं. तो आप देख सकते हैं नंबर 2 में एक मिडल मैन है, एक इंटरमीडिएरी है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर, देन होलसेलर, आफ्टर दैट रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. इन द फर्स्ट रो वी कैन सी दैट नंबर 1 इज प्रोड्यूसर, कि हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बनाने के बाद होलसेलर के पास भेज रहा है, जो बंडल में ख़रीद के आगे बेचते हैं, जो कंपनी से ख़रीदते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में और फिर ज़्यादा मिकदार में दुकानदार को बेचते हैं और दुकानदार कस्टमर को एक एक दो दो प्रोडक्ट बेच रहा होता है. तो आप देख सकते हैं नंबर 1 में इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के अंदर दो इंटरमीडियरीज हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. और बाज़ूकात प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में ब्रोकर या एजेंट्स भी होते हैं जो इन दोनों के बीच में ताल्लुकात करवा रहे होते हैं. जब भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच या कस्टमर के बीच कोई भी मिडल मैन आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहेंगे. अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल कहेंगे. तो दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. और इनकी आगे भी और तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है जिनको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं. हमारे पास दो अदर मार्केटिंग चैनल हैं, एक है कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल एंड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं. कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल CMC, कन्वेंशनल कहते हैं ट्रेडिशनल को, रवायती को. जो मार्केटिंग चैनल हर जगह हमारा चल रहा है, रवायती मार्केटिंग चैनल मीन्स कि जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, ये वही बात दोबारा दोहराई गई है लेकिन इसको नाम डिफरेंट दिया गया है. इसमें एक्सप्लेनेशन क्या की गई है हम वो देखते हैं. अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर, ईच अ सेपरेट बिजनेस सीकिंग टू मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट even at the expense for system as a whole. ये चैनल है जो कंसिस्ट करता है वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, एक या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर. कि इसमें चैनल हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, प्रोड्यूसर हो चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं. कि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाएगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचेगा, लेकिन ये तीनों सेपरेट बिजनेस हैं और ये तीनों सीख क्या कर रहे हैं कि अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट.
ठीक है, कि मैक्सिमाइज करें ओन प्रॉफिट, कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें इवन एट द एक्सपेंस फॉर सिस्टम एज अ होल, चाहे पूरे सिस्टम को लॉस होता रहे, हमें कोई गर्ज नहीं है। इसमें दुकानदार अपनी प्रेफरेंस देख रहा होता है, होलसेलर अपनी प्रेफरेंस देख रहा होता है और प्रोड्यूसर अपनी, तीनों अपना मुनाफा सोच रहे होते हैं, जबकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो प्रोड्यूसर अपना सामान होलसेलर को बेचेगा, वो होलसेलर जिस तरह से चाहेगा उसको रिटेलर के पास भेजेगा और रिटेलर उसको कस्टमर के पास। इसकी मिसाल ऐसे है कि अक्सर आप कुछ शॉप्स पे जाते हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट सामने सामने रखते हैं जिसके लिए प्रोड्यूसर उनको ज़्यादा पेमेंट कर रहा हो, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो छुपा के रखते हैं, जो नज़र ही नहीं आ रहे होते कस्टमर को। तो इसमें रिटेलर अपना फ़ायदा देख रहा है कि मुझे कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है प्रमोशन के लिए, और जो कंपनी नहीं दे रही उसके प्रोडक्ट वो छुपा के पीछे रख देगा, सामने नहीं रखेगा कस्टमर के लिए। तो इससे उस कंपनी को नुकसान हो रहा है लेकिन रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ये रवायती मार्केटिंग चैनल है, जैसे कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है, लेकिन इसमें जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उनका अपना अपना बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं है, और वो अपना फ़ायदा ही सोच रहे होते हैं कि जिस तरह से हम बिज़नेस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हम उसी तरह से बिज़नेस करेंगे। नेक्स्ट मार्केटिंग चैनल है हमारे पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ये एक लाइन के अंदर सिस्टम होता है, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पार्टनर्स होते हैं और एक दूसरे के फ़ायदे के लिए सोच रहे होते हैं। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम, वन चैनल मेंबर ऑन द अदर हैज कॉन्ट्रैक्ट विद देम। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्ट्रक्चर एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाने वाला, होलसेलर बंडल में बेचने वाला एंड रिटेलर रिटेल प्राइस पे बेचने वाला, एक यूनिफाइड सिस्टम होता है, तीनों मिले हुए होते हैं। वन चैनल मेंबर ऑन द अदर हैज कॉन्ट्रैक्ट विद देम, एक जो मेंबर होता है उसका दूसरे मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और तीनों मिल बांट के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक को नुकसान हुआ कॉन्ट्रैक्ट है पड़ा तो सबको नुकसान होगा। हम डायग्रामेटिकल देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम में इसको जाहिर किया गया है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल है, जिसमें प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को देता है, होलसेलर आफ्टर रिटेलर के पास एंड देन रिटेलर टू द कंज्यूमर, ठीक है, कि ये तरतीब आ रही है इस तरह से। ये ट्रेडिशनल, ये कॉमन हमारे पास जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं ये वैसे है। सेकंड हमारे पास है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं इसमें प्रोड्यूसर होलसेलर और रिटेलर आपस में कनेक्ट है, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा पार्टनरशिप चल रही है और ये एक सिस्टम के तहत काम कर रही हैं और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं। जब पार्टनरशिप हो जाती है इंटरमीडिएरीज के साथ तो आप एक दूसरे के फ़ायदे के लिए सोचते हैं, ना कि नुकसान के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर एक पार्टनर को नुकसान हुआ तो दूसरे को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मार्केटिंग चैनल का ये लेक्चर जो है वो इख्तिताम पे पहुँचता है। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हम वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के आगे टाइप्स भी देखेंगे कि वो किस तरह से होती है, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is importance of marketing channel. This is a short lecture of importance of marketing channel, कि क्या खसूसियात हैं और क्या function होते हैं marketing channels के। तो first of all हम देखते हैं कि marketing channel होता क्या है, marketing channel and its important। तो हम देखते हैं कि marketing channel क्या है। A set of interdependent organization help make a product or service available for use or consumption by the consumer or business user. A set of interdependent organization, ऐसी organization जो एक दूसरे पर इनसार करती हैं। Interdependent का मतलब होता है two or more people depend on each other. तो interdependent का हमें meaning पता चल जाता है। और a set of interdependent organization, organization हमारे पास कैसी कैसी हो सकती है, producer means कोई manufacturing company हो सकती है, होलसेलर रिटेलर कोई मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस हो सकता है। तो एक दूसरे पे इन्हसार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करती हैं, मददगार साबित होती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कि वो अवेलेबल हो
कंजम्पशन के लिए और इस्तेमाल के लिए बाय द कंज्यूमर और बिजनेस यूजर, के वो कस्टमर जो खुद इस्तेमाल करते हैं या वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं उनको अवेलेबल करना उन तक, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर हो सकते हैं। तो मार्केटिंग चैनल बेसिकली है क्या, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुँचाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर कोई भी हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। देर आर मैनी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल डैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारी खसूसियात हैं और कुछ फंक्शन हैं मार्केटिंग चैनल के जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग एंड परफॉर्म मैनी की फंक्शन। मार्केटिंग चैनल जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं मार्केटिंग के अंदर, और बहुत सारे फंक्शन जो हैं, काम जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि फंक्शन है क्या या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द नंबर वन इज़ इंफॉर्मेशन, मालूमात, गैदर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्टर एंड फोर्सेज इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब हमें पता है कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। बेसिकली मार्केटिंग चैनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक पहुंचाती हैं, जैसे कि रिटेलर कोई दुकानदार हो गया, होलसेलर या बल्क में बेचने वाले दुकानदार हो गए, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने वाले हो गए। तो अब ये लोग करते क्या हैं, मार्केटिंग चैनल्स करते क्या हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्टर एंड फोर्सेज इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग के माहौल के अंदर क्या अनासिर हैं, क्या कुवतें काम कर रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को। मिसाल के तौर पे कि एक रिटेलर है, एक दुकानदार है जो कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर उसको प्रोडक्ट की जब यूज़ करने के बाद अगर अच्छा है तो उसके फ़ायदे बताएगा, दोबारा ख़रीदेगा, अगर कोई कमी है तो वो उसके बारे में शिकायत करेगा। तो इस तरह से वो जो रिटेलर है, जो मार्केटिंग चैनल के अंदर रिटेलर होता है, दुकानदार होता है, वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि कस्टमर उसके बारे में क्या सोचता है, डिफरेंट कस्टमर से राय लेता है, उनकी ओपिनियन सुनता है प्रोडक्ट के बारे में, और ये इंफॉर्मेशन कंपनी तक पहुंचाता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर की ये राय है या मार्केट के अंदर ये बातें चल रही हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में मार्केटिंग चैनल, और कंपनी तक पहुंचाते हैं जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट में बेहतरी लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशन, डिवेलपिंग एंड स्प्रेडिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफर। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है या इसका फंक्शन है मार्केटिंग चैनल का, वो है प्रमोशन, के आपके प्रोडक्ट को तरक्की देना, उनकी एडवर्टाइजमेंट करना। किस तरह से, डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफर, ये डेवलप करते हैं, बनाते हैं और स्प्रेड करते हैं, राबता करते हैं कायल करने के लिए अबाउट द ऑफर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो अक्सर आप कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो शॉपकीपर जो है आपको कायल करने की कोशिश करता है, नहीं सर ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से वो कंपनी के प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा होता है और आपको ख़रीदने के लिए कायल कर रहा होता है। तो ये रिटेलर के थ्रू प्रमोशन हो रही होती है प्रोडक्ट की, और आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिटेलर होते हैं वो कस्टमर के सामने रखते हैं, और जो प्रोडक्ट वो बेचना नहीं चाह रहे होते उनको पीछे कहीं छुपा के रखते हैं जो नज़र नहीं आते। तो इस तरह से भी प्रमोशन हो रही होती है कंपनी के प्रोडक्ट की। तो मार्केटिंग चैनल्स प्रमोशन करने के भी बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट, फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स। ये जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं ये ढूंढते हैं और फिर उनके साथ रابطہ करते हैं, किन के साथ, फ्यूचर के बायर्स के, कंपनी के जो प्रोडक्ट ख़रीदने वाले बायर्स हैं उनको ढूंढते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। किस तरह से, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुँचती, उनके लिए उनको होलसेलर और रिटेलर चाहिए होते हैं। तो दुकानदार ही वो शख्स है जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कस्टमर को ढूंढता है और वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग चैनल जो है ये कॉन्टैक्ट पैदा करते हैं प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग, शेपिंग एंड फिटिंग द ऑफर टू द बायर नीड। कि किस तरह से ये मार्केटिंग चैनल्स जो हैं, ये जो रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स वगैरह या प्रोड्यूसर जो होते हैं, किस तरह से ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बायर की नीड के साथ मैच करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। कि बायर जब अपनी ज़रूरियात बताता है तो किस तरह से उनको कायल करना है और प्रोडक्ट के खसूसियात बताते हुए उनकी नीड के साथ मैच करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग चैनल का।
नेक्स्ट है हमारे पास निगोशिएशन, यानी कि बातचीत करना, बार्गेनिंग करना। रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स ऑफ ऑफर सो ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। अब अक्सर जो कस्टमर आते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो उनसे निगोशिएट करता है, बातचीत करता है और प्राइस की एग्रीमेंट पे आता है और फिर प्रोडक्ट जो है वो उनको ऑफर करता है ताकि जो ओनरशिप है वो कस्टमर को दे दी जाए प्रोडक्ट की। तो निगोशिएशन का प्रोसेस भी जो होता है, ये फंक्शन जो होता है, ये मार्केटिंग चैनल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि तकसीम करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो ये जो मार्केटिंग चैनल है ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कि प्रोडक्ट कंपनी से निकालते हैं और फिर रिटेलर या होलसेलर तक आते हैं तो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को स्टोर करना होता है अगर वो बिक नहीं रहे, तो जब वो रिटेलर और होलसेलर के पास आ जाते हैं तो कंपनी का स्टोर करने के जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है और इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं वो रिटेलर और होलसेलर के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग का और गुड को स्टोर करने का जो फंक्शन भी है वो भी मार्केटिंग चैनल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक और हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है रिस्क टेकिंग। ये हमारे पास आखिरी फंक्शन है मार्केटिंग चैनल का, अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट द चैनल वर्क। अब ये जो चैनल वर्क का काम है, जो मार्केटिंग चैनल्स का काम है, इसमें काफ़ी रिस्क है, ख़तरा है कि प्रोडक्ट तो हम ले लेते हैं, सम टाइम कंपनी के प्रोडक्ट बिकते ही नहीं, तो वो रिस्क लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट लेने में और आगे कस्टमर तक बेचने में। सम टाइम प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, जो बताया जाता है वैसे वो निकलते नहीं है, तो इस तरह दुकानदार को या मार्केटिंग चैनल्स को काफ़ी इशू होता है। तो ये एक रिस्क का काम होता है जब कंपनी सम टाइम न्यू प्रोडक्ट बनाती है और मार्केटिंग चैनल्स उनको कस्टमर तक पहुँचा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन थे मार्केटिंग चैनल्स के, ये एक छोटा सा टॉपिक था। वैसे इसको हम इसको ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमने ब्रीफली किया है क्योंकि इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।